यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और ब्लॉग में। तो आज दोबारा से एक बहुत अच्छा दिन है बाबा लग्जरी कार पे, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे मिक्स वराइटीज ऑफ लग्जरी कार, क्योंकि आज हमारे पास दिखाने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ हैं आपको, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे पजैरो भी दिखाएंगे, वॉल्सवैगन की भी एसयूवी गाड़ियाँ दिखेंगी, फिर ओल्ड शेप पजैरो भी दिखेगी। क्रेटा का बहुत डिमांड करते हैं आपकी, भाई क्रेटा भी लेके आओ, तो क्रेटा लेके आ चुके हैं आपके लिए बाबा लग्जरी कार के स्टॉक की, वो भी टॉप मॉडल। देन वी हैव ऑडी, देन वी हैव बीएमडब्ल्यू एंड देन वी हैव ह्यूंडई एलेंट्रा। तो इन सारी गाड़ियों की डिटेल जानेंगे विजय भाई के साथ और जानेंगे कि इन सारी गाड़ियों में क्या क्या फीचर आते हैं लोडेड और कितने ही पैसों में आती हैं बाबा लग्जरी कार पे गाड़ियाँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही आसानी होगी जो भी भाई गाड़ी ढूंढ रहा है उसको लेने में। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करके मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब स्टार्ट करूँगा इस वीडियो को और दिखाऊँगा बाबा लग्जरी कार के स्टॉक की डिटेल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा लग्जरी कार पे। तो आज दोबारा से कई दिनों की छुट्टियों के बाद आए हैं हमारे विजय भाई, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, सबको एक बार हाय हेलो कर दो। हाय हेलो। अब आप विजय भाई आ चुके हैं मार्केट में दोबारा से, अब देखते हैं विजय भाई स्टॉक में आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं। पहले एक बार आइडिया ले लें कि क्या क्या लेके आए हो। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इंटरेस्टिंग? बिल्कुल। जिसके अंदर लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ बजट भी आना चाहिए भाई। बजट भी है। सबसे पहले गाड़ी का नाम बताओ। ये ह्यूंडई एलेंट्रा है। ओके। और SX वेरिएंट है। ठीक है। मैनुअल है, पेट्रोल। क्या क्या फीचर मिल जाएंगे इसमें? ये टॉप वेरिएंट में है। ओके। इसमें अलॉय व्हील्स आप देख सकते हो। ओके। और क्लाइमेट्रॉनिक AC है। ओके। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एयरबैग्स, मतलब फुली लोड है। ये मैनुअल में? ये मैनुअल में। डीजल है? पेट्रोल। और मॉडल? ये 2014 मॉडल है। एवरेज देगी? बिल्कुल देगी। 10 से प्लस लेते भी हैं? 10 से प्लस। बिल्कुल 10 से प्लस आपको मिलेगी इसकी एवरेज। इसके अंदर टॉप लोडेड फीचर होते हैं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आफ्टर मार्केट इसके अंदर कुछ कराने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं, सब कुछ कंपनी। अगर वरना का मन बन रहा है तो क्या कंसीडर कर सकते हैं? वरना से तो काफ़ी अपग्रेडेड है, लेकिन बजट फीचर वाइज भी। बजट एक चीज़ और है, क्या? वेंटिलेटेड सीट्स भी है। अच्छा जी, एकदम लग्जरी वाली फील, मतलब ठंडा कर देगी सीट। बिल्कुल यार, ये तो बहुत अच्छी गाड़ी हुई। फिर तो फिर देखते हैं कि ये 14 मॉडल है तो ये कितने में आएगी? गेस करो। इसके नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल हो पाएगा यार। एक तो आप इतने दिन बाद आए हो तो अब गैस वैस नहीं होगा भाई, अब डिलीवर करो आप। मैं आपको बताना चाहूँगा, नहीं वरना अगर लेने जाओगे ना, हाँ, उसका बेस वेरिएंट भी नहीं खरीद पाओगे जिस रेट में ये दे रहा हूँ। 6 लाख की तो नहीं है ना ये? 6,25,000। चलो सही है, मैं अब देखा कितना क्लोज बिंगो होता है मेरा। 6,25,000 की आपको मिलेगी जी एलेंट्रा ह्यूंडई की, जो कि है मैनुअल गाड़ी। नाउ अब आगे चलते हैं। इस गाड़ी का स्पेशल बात मैं आपको बता देता हूँ भाई, इस गाड़ी का जो डिजिट है वो है 000, उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखना उसका कौन सा नंबर है। बिल्कुल। 1 से 9 तक है। अब इनमें से कोई सा भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 जो भी आप कर सकते हो। 5 सीरीज है? बिल्कुल, ये 525D है। ओके। डीजल में तो भाई ये है 5 सीरीज, और 5 सीरीज का नंबर भी अगर 5 होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, बट ये 20 है या फिर 25 है? 525D है, डीजल में। बहुत बढ़िया। और ब्लू कलर में है। ओके। वैसे ये भी मैजिक कलर माना जाता है, रात को ही ब्लैक लगेगा। डार्क कलर है ऑब्वियसली, अंदर बीच इंटीरियर है। ओके। सनरूफ है और फुली लोडेड है, मतलब इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट नहीं आती। लेकिन इसमें वेंटिलेटेड नहीं आती, लेकिन इसके अंदर जरूरत है वैसे, ये तो वैसे ही ठंडी कर देती होगी। इसका AC इतना अच्छा है कि जरूरत ही नहीं है। अब इसका जो कलर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोग इस कलर को कॉर्पोरेट कलर भी कहते हैं, बिजनेस कलर भी आप कह सकते हैं, और फैमिली कलर भी आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल। सन 2000? ये 2011 मॉडल है। 11 मॉडल है, मुझे पूरा अंदाज़ है 11 मॉडल कितने में आती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि क्या उस प्राइस से हम नीचे आ गए हैं। चलो गेस कर। 12 के आसपास। अब आप 12 कह रहे हो तो 11.5 लाख। 11.5? बिल्कुल। चलो फिर डील डन करो। डन। 11.5 लाख की मिलेगी आपको 11 मॉडल 525D विद VVIP नंबर। तो आप चलते हैं ऑडी के 4 छल्लों की तरफ। ये कलर तो इंटरेस्टिंग है भाई, कलर समझाओ। ही डिफरेंट है, हैं? और ये है मेटलिक ब्राउन कलर। एक बार क्लोज से देखें, एक बार कलर आओ। बिल्कुल। अब ये देखो ब्राउन कलर में, लेकिन कलर पता नहीं कभी कभी थोड़ा अजीब ही ब्राउन से अलग ही ग्रे शेड भी मिल जाता है ऐसा लगता है। ग्रे ब्राउन मतलब है ना, डुअल टोन कलर है इसका। ठीक है, एग्जैक्टली
कोई भी नहीं बता सकता कि ग्रे है ब्राउन है, बट बेसिकली ये ब्राउन में काउंट होता है। A6 ये A6 है 2.0 डीजल वेरिएंट 2000 सीसी की A6 10 प्लस माइलेज तो देगी ना, 15 आता है सिटी में। अच्छा मैं रॉन्ग था है। इसके प्रोजेक्टर देखो एक बार आप लाइट पे, अगर आप गौर करोगे अगर आप करीब आओगे तो आपको पता लगेगा कि ऑडी की जो A6 की जो लाइटें होती है ना इतनी प्यारी होती हैं। A6 में एक चीज़ और आता है, इसमें आपको एयरमेटिक शॉकर्स मिल जाते हैं कि मतलब गड्ढे वड्ढों में बिल्कुल लिफ्ट कर सकते हो, और कोई भी गड्ढे जैसे आते हैं तो आपको इतना जर्क जो है वो पता नहीं लगेगा, बहुत सॉफ्टली जाएगी। बहुत बढ़िया इसका ये। और फिर जो सबसे मेन फीचर, मेमोरी सीट प्लस फ्लिपिंग स्क्रीन, वो आगे से फ्रंट से निकलती है। तो मॉडल क्या है ये? ये 2012 मॉडल है। 12 मॉडल है, कुछ भी बाहर से कुछ क्या करवाओगे इसमें यार? मतलब इसमें करवा लिया जाए, अलॉय वलॉय भी है, प्लस इसका इंटीरियर जो है वो ब्राउन कलर में मतलब काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये ब्राउन कलर कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही कंपनी ने दिया। बहुत बढ़िया। अब 12 मॉडल की ऑडी A6 कितने में आएगी? 13,50,000। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलते हैं क्रेटा की तरफ। क्रेटा बहुत इंटरेस्टिंग गाड़ी है, स्पेशली इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा रुतबा है क्रेटा का। प्रोजेक्टर लैंप्स दिख रहे हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये टॉप लेवल है। बिल्कुल, ये टॉप वेरिएंट में भी है। SX? बिल्कुल SX। मैनुअल ट्रांसमिशन है, पेट्रोल। बहुत बढ़िया। अब इसकी आप पूरी प्रोफाइल इन्जॉय करो तो आपको आइडिया होगा कि दिखने में कैसी है। सिल्वर कलर में गाड़ी है। बिल्कुल सिल्वर कलर, ग्रिल आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर लैंप्स, DRLs, अलॉय व्हील्स, क्लाइमेट्रॉनिक, सब कुछ है, फुली लोडेड। ये पुश स्टार्ट है ना? बिल्कुल पुश स्टार्ट मिलेगा, टच स्क्रीन म्यूजिक मिलेगा, ओके, जो कंपनी फिटेड है, और स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिलेंगे, स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलेंगे, मतलब फुली लोडेड है। क्या क्रेटा, तो वाकई यार बड़ा दिल करता है क्रेटा मतलब चलाने का भी, और मतलब वैसे भी बड़ा मन करता है कि इस गाड़ी को रखा जाए, क्योंकि गाड़ी ह्यूंडई ने जबरदस्त बनाई है। इसका एक चीज मैं बताऊं, डीजल चलाओ या पेट्रोल एक बराबर बिल्कुल फर्क नहीं। ये अपनी ये पेट्रोल है। ये एवरेज बताओ फिर। इसका एवरेज आ जाता है 12 से 13 का, 12 से 13 का, और डीजल में 15 तक तो जाता होगा। अब यार इसका तो मॉडल 15-16 तो नहीं है? आपको न्यू लग रही है? हाँ। तो ये न्यू शेप में 2017 मॉडल है। 17 मॉडल है? बिल्कुल, माय गॉड 17 मॉडल है गाड़ी। अब इसके बिल्कुल नहीं हो पाएंगे गैस, लेकिन फिर भी इसके 9 के आसपास। अब आप 9 कह रहे हो तो 8.5 लाख फाइनल तो नहीं है ना? नेगोशिएबल। 8.5 लाख में मिल जाएगी जी आपको 17 मॉडल क्रेटा गाड़ी, जो कि रहने वाली है टॉप मॉडल मैनुअल का। तो आना है बाबा लगजी कार और डील को क्रैक करना है अगर आप गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो, नहीं तो अब नेक्स्ट गाड़ी देख लो। नेक्स्ट गाड़ी है पजारो। बिल्कुल मित्सुबिशी पजारो। आज अपने पास मेरे को लग रहा है दोनों शेप हैं। बिल्कुल आज दोनों शेप हैं। ये इसको वैसे बेसिकली कहते हैं बुलडॉग शेप। बुलडॉग ओल्ड इज गोल्ड वाली शेप है ना ये? इतनी मतलब पावरफुल गाड़ी है और प्योर ऑफ रोडर है। इसके अंदर आपने बहुत सारे कलर देखे होंगे, इसके अंदर रेड कलर भी आता है, इसका ग्रे कलर भी आता है, बट ये जो ब्लैक और रेड वाली होती है ना, ये वाली पजारो, ये बिल्कुल ठान लगती है। बिल्कुल ये ब्लैक एंड वाइट में। ये 7 सीटर है ना पूरी? ये 7 सीटर है, मैनुअल है, डीजल है, 4x4। इसकी एवरेज? ये एवरेज बेसिकली 10 से 11 का निकालती है। अब इस गाड़ी की आप प्रोफाइल पूरी इंजॉय कर रहे हो, ये है पजारो। पजारो कौन सा मॉडल है ये? ये 2010 मॉडल है। अच्छा 10 मॉडल है, डीजल गाड़ी है, और गाड़ी है आपके सामने ब्लैक कलर में। फीचर इसमें सारे ही मिलेंगे जो इसके अंदर कंपनी देती है। ऑफ रोडिंग, 4x4, मैनुअल, डीजल, हैशटैग। 6.5 लाख 6,25,000 अरे 25 का रह गया यार, शिट। 6,25,000 में आपको मिल जाएगी पजारो। अब ये थोड़ा सा नया माल है भाई। अब इसका क्या नाम है और क्या गाड़ी है ये सिर्फ विजय भाई बता सकते हैं। सनरूफ है भाई इसमें तो? बिल्कुल, ये वोल्सवैगन टोरैग है। टोरैग, ओके। और ये 5 सीटर में है, डीजल वेरिएंट है, ऑटोमेटिक। SUV है ना ये पूरी? बिल्कुल ये SUV है। किसी से कंपैरिजन होगा इससे? इवॉक कर सकते हो हैं? कर सकते हो। सेकंड हैंड इवॉक से होगा, नई इवॉक से नहीं होगा उससे तो? ये भी सही है, लेकिन इसकी क्या वैल्यू है? मैं आपको बताऊँ, इवोक बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया, हाई लेवल है। हाँ। उसका प्राइसिंग भी डिफरेंट है जितना इसका है। लेकिन फीचर क्या क्या मिल जाते हैं इसमें? सारे ये फुल्ली लोडेड सनरूफ आप देख सकते हैं, बीच इंटीरियर देख सकते हैं, ओके, अलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, मतलब सारी फुल्ली लोडेड है ये। तो भाई गाड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मॉडल जानते हैं क्योंकि ये गाड़ी अभी तक शायद मैंने नहीं करी जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो अब देखते हैं इसका क्या मॉडल रहने वाला है, क्या बोलते हो? ये 2010 मॉडल है। 10 मॉडल है? डीजल? बिल्कुल डीजल, ऑटोमेटिक,
अब इसके अंदर तो भाई झांक के दिख रहा है, तो मतलब सब कुछ ही दिख रहा है इसके अंदर, सब कुछ लोडेड है। ये भी माउंटेड कंट्रोल तूफान है, मतलब हर चीज है। तूफान के पैसे बताओ, गेस कर। इसके 10 मॉडल के बिल्कुल 7 लाख। आप 7 कह रहे हो तो 6,90,000। 6,90,000 बिल्कुल। ये नई कितने की आती होगी? ये नई काफी महंगी आती थी उस समय। अच्छा जी, माय गॉड। तो आपको ये मिल जाएगी डील जबरदस्त, जो कि मिलेगी 6,90,000, जो कि नेगोशिएबल है। यानी जब आप आएंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ रिगार्ड होगा। तो आप देखते हैं हाथी द हल्क, इसे तो हल्क कहना गलत नहीं है। बिल्कुल सही बोला, मतलब ये तो भाई ये बनी ही उस चीज के लिए कि इसे तो पहाड़ों पर चढ़ा दो इसे। एक्चुअली था क्या, पजेरो पहले आई थी वो बुलडॉग शेप में थी, अब ये जब आई ये पिटबुल शेप में है। ये पजेरो जब स्पोर्ट आई इसमें थोड़े लग्जरी फीचर्स और डाल दिए, जैसे प्रोजेक्टर लैंप्स उसमें नहीं थे इसमें है। आपने वो वाली देखी है, वो जो 20 में जो आने वाली है, जो ये अभी लेके आने वाले हैं, कोई कंपैरिजन नहीं। सेकंड हैंड में ले आओगे ना, उसे नाम ही चेंज कर दो, ले आओगे सेकंड हैंड में उसे, बिल्कुल लाएंगे जरूर यार, ये उसे लाना पक्का, ठीक है ना। सारी आएंगी भाई, ये वाली जो शेप है ना, अब इसके बाद एक 20 में शेप आने वाली है भाई साहब, देख लोगे ना गाड़ी, हाँ लगती है। वो भी ले आएंगे आने वाले टाइम में, पहले उन्हें रोड पे तो आने दो। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, ओके, पजेरो स्पोर्ट का, और 4x4 है, 4x4 है। अब इसका वॉक अराउंड आप देखो तो आपको आइडिया होगा साइड से क्या प्रोफाइल है। ये गाड़ी 7 सीटर, बिल्कुल ये प्रॉपर 7 सीटर है, बहुत बढ़िया। पजेरो जितनी भी आई थी स्टार्टिंग से वो सब 7 सीटर। सबसे अच्छी मुझे पजेरो की जो बात लगती है ना, वो लगती है इसकी हाइट, ये बहुत ऊपर है भाई गाड़ी, बहुत ज़्यादा है। मतलब ये ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं, जैसे अपनी एंडेवर आती है, फॉर्च्यूनर आती है, उसी सेगमेंट की गाड़ी है। कभी कभी तो मुझे फॉर्च्यूनर से 2 इंच ऊपर ही लगती है। हाँ, थोड़ा शेप है, बिल्ट अलग ही है इसका, बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है मिस्तिबिशी, और मिस्तिबिशी का ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत रिलायबल है रोड पे, और लोग जानते हैं। स्पेशली हमारे पंजाब साइड की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपको इसके लवर्स हर घर में मिलते हैं। अब तो ऑल ओवर इंडिया हो गया है, हर किसी, साउथ में भी चल रही है, हर जगह, दिल्ली में भी चल रही है, बंगाल में भी चल रही है, पूरे इंडिया में चल रही है। भेज तो देंगे लेकिन पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना। उससे पहले मैं मॉडल बताऊंगा। बताओ 10 मॉडल, 2012 मॉडल। अरे यार 10 में ये नहीं आती थी, ये नहीं आती थी, वो वाली 10 वाली शेप है ना, वो 10 वाली शेप है। ये 12 मॉडल, तो 12 मॉडल के 12 लाख रुपए सीधा बोलता हूँ मैं, कोई घुमा फिरा के नहीं बात करूंगा। और मैं कहूंगा 8,90,000 सिर्फ, बस सीधी सीधी बात है, 8,90,000 में मिलेगी जी आपको 12 मॉडल की डीजल गाड़ी, जो कि एवरेज देगी 4x4 है, फिर भी मतलब 10-11 का एवरेज। मैंने 12 बोला, उन्होंने 11 बोला, यानी एक पॉइंट कम हो गया, लेकिन फिर भी आपको 10 प्लस एवरेज देंगी गाड़ियाँ। और गाड़ियाँ जो भी हम दिखा रहे हैं, काफ़ी सारे भाई यार इंक्वायरी कर रहे हैं कि हम आ तो सकते नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का एक बार पूछ के बता देना विजय भाई से। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट हम हर स्टेट में कराते हैं, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, और पूरी उसमें फॉर्मेलिटीज भी होती है हर तरह से, और पूरा आपको वीडियो भी बताया जाता है कि कैसी कौन सी जोन सी आपने चूज करी है, वो किस कंडीशन में, सारे दिखा देते हैं, पूरा हर चीज दिखाते हैं, उसके बाद ही गाड़ी करते हैं। कितने लगते हैं जाने में गाड़ी? डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, बट मिनिमम ऑन एवरेज 5-10 दिन के बीच चली जाती है गाड़ी। और कोई भी गाड़ी भेज सकते हैं? कोई भी, हवाई जहाज भी, हवाई जहाज में तो लोड होके जाएगी ना। ये भी सही है भाई, कोई भी गाड़ी आपको पसंद है आप आ नहीं सकते हैं, लेकिन आपको डील क्रैक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ से विजय भाई आपको ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन भी दे देते हैं, या नहीं? बिल्कुल। और कुछ? अच्छा, और इन सभी गाड़ियों को आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, ठीक है, सबकी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। ओके, जो कि है बाबा लग्जरी कार के नाम से, कार के नाम से मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई देने की। तो इसी के साथ माय कंट्री माय राइड आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग माय कंट्री माय राइड, सी यू, बाय बाय फ्रॉम बाबा लग्जरी कार, और एक बार बाय बाय और हाय हेलो भी कर ही दो, हाय हेलो बाय बाय।